हेलो सर जी, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी हम आ चुके हैं पटना जंक्शन पर, और आज हम जिस ट्रेन के बारे में बात करने वाले हैं उसका ट्रेन नंबर है 19314, और उस ट्रेन का नाम है पटना इंदौर एक्सप्रेस। और ये ट्रेन पटना जंक्शन से इंदौर जंक्शन तक को जाती है, और ये ट्रेन पटना जंक्शन से एक सप्ताह में 2 दिन चलती है, वेडनेसडे और फ्राइडे को। ये ट्रेन पटना जंक्शन से 11:25 में खुलती है, यानी 11:25 AM पे खुलती है, और आपको इंदौर जंक्शन अगले दिन 2:40 में पहुंचाती है, यानी 2:40 PM पे पहुंचाती है। अगर हम टोटल जर्नी की बात करें किलोमीटर में, तो पटना जंक्शन से इंदौर जंक्शन का डिस्टेंस हो जाएगा 1356 किलोमीटर, और अगर टाइम की बात करें तो टोटल टाइम लग जाएगा 27 घंटा 15 मिनट। अब हम बात करेंगे इसके स्टॉपेज के बारे में। जब ये ट्रेन पटना जंक्शन से खुलती है तो इसका पहला स्टॉपेज आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सेकंड स्टॉपेज वाराणसी जंक्शन, थर्ड स्टॉपेज जौनपुर सिटी, फोर्थ स्टॉपेज सुल्तानपुर जंक्शन, फिफ्थ स्टॉपेज लखनऊ चारबाग एनआर, सिक्स्थ स्टॉपेज कानपुर सेंट्रल, सेवन्थ स्टॉपेज कोरई, आठवां स्टॉपेज बिरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन, नौवां स्टॉपेज ललितपुर जंक्शन, दसवां स्टॉपेज बीना जंक्शन, ग्यारहवां स्टॉपेज संत हिरदाराम नगर, बारहवां स्टॉपेज सुजलपुर, तेरहवां स्टॉपेज उज्जैन जंक्शन, चौदहवां स्टॉपेज देवास जंक्शन, और 15वां स्टॉपेज इंदौर जंक्शन। और अब बात करते हैं इस ट्रेन का किराया के बारे में। अगर हम पटना जंक्शन से इंदौर जंक्शन तक को जाते हैं तो कितना किराया लगेगा? तो 2S का सेकंड सीटर जिसको बोलते हैं उसका भाड़ा है ₹355, स्लीपर का ₹585, और थर्ड AC का ₹1565, और सेकेंड AC का ₹2260, और इसमें फर्स्ट AC नहीं है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखिए और प्लेलिस्ट को चेक करते रहिए।